गढ़ के बीच दुनिया की सबसे बड़ी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया और इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में भी और प्रमुखता से आने वाले हैं। बता दें आपको कि नदी जल मार्गों को मनाने की महान पर्व साक्षी मन्ना बनना हम सभी के लिए खुशी की बात है और इसके साथ ही गंगा जी हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा पर नहीं है बल्कि प्राचीन काल से इस महान भारत भूमि की तप तपस्या के साक्षी हैं। भारत की स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी रही हो, माँ गंगे ने हमेशा कोटि कोटि भारतीयों को पोषित किया है और गंगा विलास का उद्घाटन पूर्वी भारत के लिए पर्यटक के विश्व मानचित्र पर और अधिक उज्ज्वल उभरने के लिए नए मार्ग खोलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से गंगा विलास क्रूज सेवा का शुभारंभ हो रहा है। गंगा विलास क्रूज सेवा के संचालन से स्थानीय समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह पहल पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी, स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्पों को बढ़ावा देगी। इस प्रकार यह क्रूज सेवा माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अर्थगंगा की परिकल्पना को साकार करने में उपयोगी सिद्ध होगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में गंगा विलास क्रूज सेवा का संचालन माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को भी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 4 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे और 4 दिवसीय दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन गोरखपुर में हुआ, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में सबसे पहले गुरु गोरखनाथ बाबा का पूजन अर्चन कर उनका आशीर्वाद लिया है और आज निषाद पार्टी के संकल्प दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल होंगे। बता दें आपको कि इसके साथ ही गोरखपुर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। खबर हमीरपुर से है, जहां पर AK-47 गैंग नाम का ग्रुप बनाकर गुंडों का सरेआम आतंक देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े गैंग के सदस्य आधा दर्जन बाइकों के साथ फायरिंग और शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की बैरिकेटिंग के पास ही AK-47 गैंग के गुंडों ने 4-पहिया वाहन से हूटर बजाकर फायरिंग की है और आतंक का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें आपको कि सुमेरपुर थाना क्षेत्र के AK-47 गैंग ये बताया जा रहा है जो खुलेआम फायरिंग और करके वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपलोड भी कर रहा है, जिससे लोगों में दहशत बन सके। अमेठी में ब्लॉक कर्मी गोवंश को पकड़कर गोहाट से स्थल केंद्र ले जाने के लिए जुटे हैं और बता दें आपको कि आज दूसरे दिन छुट्टा जानवरों से परेशान ग्रामीणों ने जामो ब्लॉक का घेराव किया है और किसान छुट्टा जानवरों को इकट्ठे कर लेकर ब्लॉक परिसर पहुंच गए और साथ ही किसानों ने वीडियो कार्यालय का घेराव कर गेट में ताला भी जड़ दिया। नाराज किसान वीडियो के ही समझाने के बाद माने हैं और यह भी जानकारी है कि क्षेत्रीय किसान छुट्टा जानवरों से परेशान है। सहारनपुर एंटी करप्शन टीम ने गोशाकर विभाग सहारनपुर के प्रधान लिपिक और होमगार्ड को 3,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। मुजफ्फरनगर निवासी युवती शबनम की शिकायत के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अपने पिता शिराजुद्दीन की मौत के बाद ही शबनम पेंशन के लिए कोषागार के चक्कर काट रही है और उससे 30,000 रिश्वत मांगी गई है। आपको बता दें इसको लेकर बात सामने आई है, जिस पर उसने एंटी करप्शन मेरठ में ही इसकी शिकायत की थी और रिश्वत प्रकरण में ही एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया है कि सहारनपुर के कोषागार विभाग के प्रधान लिपिक होमगार्ड को एक महिला से रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है और जिस पर अब वैधानिक कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा।
खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र में देर रात दो पक्षों में स्कूटर नाम कराने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों के बीच हाथापाई में एक युवक की मौत हो गई है। मृतक युवक ने 10 दिन पहले पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक को एक्टिवा बेचा था और वो एक्टिवा नाम कराने को लेकर बात कर रहा था, और जिसको लेकर देर रात विवाद हुआ और एक्टिवा खरीदने वाले युवक ने गिरेबान पकड़ा, तभी युवक नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद मौत का खुलासा होगा। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस द्वारा परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और युवक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की स्थिति साफ हो पाएगी। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर जालौन से है। बता दें आपको कि जालौन में नाबालिग युवती के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। भाई के दोस्त ने ही घटना को अंजाम दिया है। आरोप है कि युवती गांव से शहर भाई को गर्म कपड़े देने के लिए निकली थी और रास्ते में शहर छोड़ने की बात कहकर युवती का रेप करने का आरोप इसमें लगा है, और आरोपी युवक उरई कोतवाली क्षेत्र का निवासी है। वहीं मामले को लेकर पीड़िता अपनी माँ के साथ कोतवाली पहुंची है। तो आपको जालौन से खबर बता रहे हैं, जहां पर युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि युवती शहर की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में एक युवक ने उसे लिफ्ट देने की बात कही है, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। बस्तर जिले के नगर पंचायत हरिया में पुरानी बैटरी में गोलमाल का मामला सामने आया है। दरअसल सभासदों ने 240 पुरानी बैटरी गायब होने की शिकायत की। अपर जिला अधिकारी ने शिकायत पर जांच करके आदेश दिया है कि आखिर 240 पुरानी बैटरी गई कहां पर, जबकि नियम है कि सोलर लाइट से जो भी पुरानी बैटरी निकलती है उसको सरकारी गोदाम में रखा जाता है और बाद में 100 से 120 रुपये किलो पुरानी बैटरी बेची जाती है। और जांच में पुरानी बैटरी सरकारी गोदाम में नहीं मिली है। जांच में पता चला है कि चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के कहने पर नपा कर्मियों ने चेयरमैन की निजी गोदाम में रखवाई है, और जिसके बाद आनन फानन में ट्रॉली ट्रैक्टर से पुरानी बैटरियों को सरकारी गोदाम में भिजवाया गया। ईओ संजय कुमार राव ने बताया है कि चेयरमैन का कार्यालय समाप्त हो गया है। जब कर्मचारी से पूछा गया कि जो पुरानी बैटरी निकल रही है वो कहाँ रखी गई है, तो उन्होंने बताया कि चेयरमैन के गोदाम में, जिसके बाद मैंने निर्देश दिया कि जो भी बैटरी है उस पर सरकारी गोदाम में रखवाया जाए। जब चेयरमैन के गोदाम से पुरानी बैटरी निकाली गई तो उनकी संख्या 240 थी, जिनकी कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख बताई जा रही है। अभी हम जैसे कि अभी कार्यकाल जैसे चेयरमैन साहब का खत्म हुआ है, तो मैंने यहाँ सारा स्टॉक उस्टाक चेक करना शुरू किया, गोदाम में भी चेक किया। पता चला कि जैसे कि बैटरियाँ पता चला था कई दिनों से खुल रही थी और ला के रखी जा रही थी, तो मैंने बिजली मिस्त्री से पूछा कि कहाँ जा रही बैटरी, तो उन्होंने बताया कि चेयरमैन साहब के गोदाम में रखी जा रही है। तो उसी क्रम में मैंने आदेश देकर लोगों को तत्काल वहाँ से बैटरी अपने मंगाने के लिए आदेश। तो सर प्राइवेट गोदाम में किसके आदेश से रखी जा रही थी? ये चेयरमैन साहब के ही आदेश से सही रखा जा रहा था, जबकि आपके नगर पंचायत कार्यालय का जो गोदाम है वो जलकल में, वहाँ पर बैटरियाँ नहीं रखी गई। पहले से हमको तो जानकारी यही थी कि जो हमारा बिजली मिस्त्री था ले जाके वहाँ रखता था, लेकिन कब से यहाँ रखने लगा है ये पता नहीं था। जैसे जानकारी मिली है तो उसको नोटिस दिया गया कि तत्काल सारी बैटरी हमारे गोदाम में ले जाकर। फिर ऐसा तो नहीं है सर कि उस बैटरियों को गोलमाल करके बेचने का प्लान बनाया जा रहा था चेयरमैन के द्वारा? फतेहपुर में अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को NH2 से DCM से हरियाणा प्रांत की 270 पेटी शराब की पेटी को फर्म ने बरामद किया है। आपको बता दें कि DCM से शराब का जखीरा हरियाणा से बिहार ले जा रहे थे। वहीं पकड़ी गई शराब की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। मामला का खुलासा SP ने किया है। SOG और मलबा पुलिस ने DCM को मलबा से दौड़ाकर ही अलीपुर NH2 के पास पकड़ा है। फतेहपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर शराब तस्करी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें आपको कि 270 पेटी शराब बताई जा रही है। इसमें की जानकारी ये भी प्राप्त हुई है कि 25 लाख की कीमत है, जिसमें 270 पेटी शराब बरामद किया गया है।
मैनपुरी में दबंगों ने पंचायत घर तोड़ दिया है। दो पक्षों में विवाद के चलते पंचायत घर तोड़ा गया है। दबंगों ने जर्जर हालात का हवाला दिया और आपको बता दें कि पुराने मलबे से पुराने घर का निर्माण करवाया जाएगा। वहीं प्रशासन ने फिलहाल काम बंद करवा दिया है। मामला आपको बता दें कि तहसील भोगांव के ग्राम सभा नरेनीपुर का बताया जा रहा है। तो मैनपुरी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि दबंगों के हौसले साफ तौर पर बुलंद नजर आ रहे हैं। और ये भी जानकारी है कि दबंगों ने जर्जर हालात का हवाला देकर यहां पर पुराने मलबे के पुराने घर का निर्माण करवाया जाएगा, ऐसी जानकारी है। और प्रशासन ने फिलहाल काम बंद भी करवा दिया है। पूरा मामला आपको बता दें कि तहसील भोगांव के ग्राम सभा नरेनीपुर का बताया जा रहा है। मऊ में बीजेपी के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर ने विवादित बयान दिया है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी में शामिल होने पर स्वागत करने की बात कही है। वहीं प्रेस वार्ता के बाद पूर्व सांसद हरि नारायण ने बयान दिया है कि कार्यकर्ताओं को गाली देंगे तो उनको जूते से मारना चाहिए। तो मऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के पूर्व सांसद ने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग कार्यकर्ताओं को गाली देंगे उसको मारना चाहिए। हरदोई के हरियाबा थाना इलाके में 7 जनवरी को जिंदा जलाकर महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए महिला के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए युवक ने स्वीकार कर लिया है कि उसको अपनी प्रेमिका के चरित्र पर शक था, इसी के चलते उसने साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से ही उसे जला कर मार डाला है ताकि शव की पहचान ना हो सके। और पुलिस ने इस मामले में आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि खुलासा करने वाली टीम को एसपी ने 25,000 रुपए का इनाम भी दिया है। बिल्कुल ही ब्लाइंड मर्डर पे, जिसमें कि जो मृतका है उसका कोई सुराग नहीं था, इसको शीघ्र खोलने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी और क्षेत्राधिकारी हरियाणा के निर्देशन में जो थाने की और स्वाट और एसओजी की टीम ने इसका अनावरण किया है, उस टीम को मेरा द्वारा 25,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक फूड इंस्पेक्टर ने उनके उच्च अधिकारियों से शिकायत होने पर 5,000 रुपए रिश्वत के और बढ़ा दिए हैं, जिसकी वीडियो वायरल होने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया है कि भ्रष्टाचार की पोल खोलते वीडियो को जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह को जाँच के लिए सौंपा है। पैसे की बात कर रहे हैं, अगर शिकायत हो जाती है तो पैसा जो है उनका 5,000 बढ़ जाता है। वैसे ही एक वीडियो आया है, आपको संज्ञान है क्या कुछ उसमें कार्रवाई के लिए? हाँ, कल एक मामला मेरे संज्ञान में आया है, एक शिकायती वीडियो और एक शिकायती प्रार्थना पत्र मुझको प्राप्त हुआ, जिसमें कि उस वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि एक नवाबगंज तहसील में फूड इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है श्री अनिल पाल जी, उनके द्वारा एक व्यक्ति के जाँच के नाम पर कहा जा रहा है कि अब इसमें खर्चा बढ़ गया है। प्रथम दृष्टया ये दिखाई पड़ रहा है कि वो प्रार्थी से जो जिसके यहाँ पे जांच का मामला था उससे उन्होंने बताया कि अब खर्चा बढ़ गया है और सही झूठी रिपोर्ट लगानी पड़ती है। जब ये मामला मेरे संज्ञान में आया और मुझको शिकायती पत्र प्राप्त हुआ, तत्काल मैंने जिलाधिकारी बाराबंकी को शिकायती पत्र अपने पैड पे के साथ संलग्न करके उनको दिया और दिया जिलाधिकारी बाराबंकी। बाराबंकी के जिला जेल में निरुद्ध एक बंदी को रामनगर पुलिस बृहस्पतिवार को थाने ले गई थी और अभियुक्त के अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह का आरोप है कि न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए रामनगर थाने में युवक को जमकर पीटा गया है। शाम को जब उसे वापस जिला कारागार में लाया गया तो वो चल नहीं पा रहा था। वापस कारागार भेजने से पहले डॉक्टरों को भी नहीं कारागार के बाहर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें युवक जमीन पर गिर रहा है। अधिवक्ता का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें भी थाने से भगा दिया है और इस संबंध में रामनगर के प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार वर्मा ने युवक की पिटाई से इनकार किया है।
थाना बड़ापुर पुलिस द्वारा अपने साथ झूठी लूट की घटना का षड्यंत्र रचकर इसमें पैसे गबन करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। पकड़े गए अभियुक्त से पुलिस ने गबन किए 1,90,000 रुपये बरामद किए हैं। प्रेस वार्ता कर एसपी देहात श्री राम उर्ज ने घटना का खुलासा किया है। बता दें आपको कि ये पूरा मामला बिजनौर के ही थाना बड़ापुर इलाके का है। स्थानीय पुलिस द्वारा 13 जनवरी को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त जय सिंह को ही बड़ापुर तिराहा कस्बा नगीना से 1,80,090 सहित गिरफ्तार किया गया है। इसमें 9 जनवरी को सायंकाल जय सिंह पुत्र नरवेश सिंह, जो नम्रा फाइनेंस कंपनी नगीना में जो है एजेंट के रूप में काम करते हैं, ये कलेक्शन का काम करते हैं, ये बड़ापुर उधर क्षेत्र से कलेक्शन करके वापस आ रहे थे। सायंकालीन बेनीपुर कोपा पुल के पास इन्होंने जो तहरीर दिया उसमें बताया कि वहाँ मैं आ रहा था तो दो लोग मोटरसाइकिल से पीछे आए, मेरी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दिए जिससे मैं नीचे गिर गया और बेहोश हो गया, और मेरा बैग जो है जिसमें लगभग 2,00,000 रुपए थे वो लेकर भाग गए। इनके इस तहरीर के आधार पर थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ, इसकी तफ्तीश चालू हुई। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर में मौजूद गुरु गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा खिचड़ी बनाने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। लाखों की संख्या में ही श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने के लिए मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में पहुंचते हैं। बता दें आपको कि जिसमें भारी संख्या नेपाल से आने वाले श्रद्धालुओं की होती है, और ऐसी मान्यता है कि सदियों से नेपाल के राजा की खिचड़ी सबसे पहले चढ़ती है जिसके बाद बाकी श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाते हैं। ऐसे में नेपाली श्रद्धालु भारी संख्या में खिचड़ी चढ़ाने के लिए महाराजगंज जनपद के सोनोली सीमा के रास्ते गोरखपुर के लिए जाते हैं, जिसको देखते हुए इस बार भी नेपाली श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका, कहाँ रहती हैं आप? नमस्ते, मेरा नाम अंबिका गुरुंग है, मैं नेपाल में रहती हूँ, मेरा घर बेलहिया वार्ड नंबर 1 में है। मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है तो किस तरह की तैयारी आप लोग की हुई है? जैसे अब हम लोग हर एक मकर संक्रांति में गोरखनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं गोरखपुर में, तो इस साल भी जाने का सब फैमिली मिलकर जाने का तैयारी है हम लोग का। अच्छा, एक मान्यता भी है कि वहाँ के राजा की खिचड़ी चलती है, कैसे पता चला जी? क्या जैसे हम लोग बचपन से सुनते आए, सब फैमिली जैसे हम लोग के बुजुर्ग जो थे बताते थे कि पहले सबसे पहले हम लोग का राजा ही वहाँ पे खिचड़ी चढ़ाते थे, तब जाके वहाँ पे मंदिर पे और लोग चढ़ाते हैं। झांसी में प्रेमनगर थाना क्षेत्र के महावीरनपुरा की रहने वाली राजकुमारी डीआईजी कार्यालय पहुंची और डीआईजी को शिकायती पत्र देकर अवगत कराया कि दबंगों ने उसकी जमीन पर लगे फलदार और हरे भरे पेड़ों को जेसीबी मशीन से गिरा दिया है। दबंग उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसका उन लोगों ने विरोध किया तो उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई है और जान से मारने की भी धमकी दी गई है। वहीं राजकुमारी का आरोप है कि जब इसकी शिकायत संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस से की गई तो चौकी के एक दरोगा ने उसको ही झूठे केस में फंसाने की धमकी दी है। पीड़ित महिला ने परिवार समेत ही डीआईजी से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है, कहां से आए, क्या मामला? पुलिया नंबर 9 से आए हैं और हमारी खेती महावीरन पे है, एक फैक्ट्री के पास, तो वहाँ जेबीसी चल रही थी तो हम गए, हमने कि भैया इसको रुकवा, तो वो कहने लगे क्यों रुकवा, तो हमने कि क्यों हमारी ज़मीन पे, हमने कि आपने पेड़ गिरा दिए, तब पेड़ गिरा दिए, पेड़ उस तरफ कर लिए थे, उनने पेड़ मेरे थे और हैं। इसके बाद फिर हमने थाने गए, थाने देवराज मौर्य आए, वो लेके गए, फिर वैसे ने हमसे कहा कि आप पे उल्टा मुकदमा लगेगा। हमने किस बात का, उसका एक और लड़का था जो मतलब ले गया थे, वो था वकील, तो वो कहने लगा कि जी राइटिंग मतलब जी खैरिंग अलग है, हम इस पे मुकदमा कर देंगे। हमने सर आपको जो दिखाई दे कर लो, हम तो भाग आए। अभी आप कहाँ पर आए थे? हम यहाँ डी आई जी ऑफिस आए। क्या बोल दिया ये सर? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों के ना होने पर 9 महीने की बच्ची की मौत हो गई है। वहीं परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार हरपालपुर मध्य प्रदेश निवासी सूरज ने बताया है कि उसकी 9 महीने की बच्ची धानी को सर्दी जुकाम हो गया था, जिसको पहले मैंने हरपालपुर में एक निजी अस्पताल में दिखाया, जहाँ पर उपचार करने से मना कर दिया और मऊरानीपुर
में ही उपचार कराने के लिए बोला गया और जब मऊरानीपुर में एक निजी अस्पताल में उपचार कराने आए तो यहां पर भी मना कर दिया गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर में उपचार कराने के लिए बोला गया। बच्ची के पिता सूरज और परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इमरजेंसी वार्ड में ही बच्ची को उपचार के लिए लेकर आए तो यहां पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिसके कारण बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची की मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक सचान से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में बच्ची को मृत लाया गया था और मेरे द्वारा बच्ची को देखा गया। परिजनों ने जो भी आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल गलत और झूठे हैं। खबर झांसी से है। शासन के आदेश अनुसार संभागीय परिवहन विभाग झांसी द्वारा सड़क सुरक्षा महीने 2023 के क्रम में सिपरी बाजार झांसी में मौजूद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में प्रांगण में ही सड़क सुरक्षा जागरूकता पर महाविद्यालय की छात्राओं को शपथ दिलाई गई है और वहीं पर स्वयं तो सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें ही साथ ही अपने परिवार पड़ोस और समाज को भी जागरूक करें। उक्त शपथ संभागीय परिवहन विभाग से आए यात्री कर अधिकारी दीपक सिंह द्वारा दिलाई गई है। उन्होंने छात्राओं को कई उदाहरणों के माध्यम से ही सड़क सुरक्षा के नियमों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। तत्पश्चात कार्यक्रम संयोजक सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य श्रुति प्रगति शर्मा ने कहा है कि चालान के डर से नहीं यमराज के डर से नियमों का पालन आवश्यक करें और हेलमेट घर पर नहीं सर पर होना चाहिए। अध्यक्षता कर रही हैं प्राचार्य डॉक्टर अलका नारायण ने। अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा है कि एक शिक्षित छात्रा कई लोगों को शिक्षित कर सकती है और अंत आप सभी यहां से जो भी सड़क सुरक्षा के नियम बताए गए हैं उस पर स्वयं ही अमल करें और दूसरों तक भी प्रस्तावित करें। झांसी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगातार राहजनी लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय बदमाशों के गिरोह के 5 सदस्यों को झांसी की एसओजी मोटपूछ और एरच थाना की संयुक्त टीम ने दबोच लिया है। बता दें आपको कि पुलिस टीम ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से लग्जरी गाड़ियां, मोबाइल फोन, तमंचा और इसके साथ ही कारतूस सहित लूट का माल बरामद किया है। पकड़े गए बदमाशों का काफी बड़ा आपराधिक इतिहास है और पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी देहात नेपाल सिंह ने कहा, जानकारी देते हुए बताया है कि कानपुर देहात जालौन झांसी मोठ सिमरा ललितपुर मध्य प्रदेश के जिला दतिया शिवपुरी महोबा आदि जिलों में हाईवे पर राहगीरों को रोककर डरा धमका कर लूट डकैती की घटना को एक गिरोह द्वारा लगातार अंजाम दिया जा रहा है। आप सभी लोग साथ अवगत होंगे कि एडी जोन कानपुर सर और डीआईजी रेंज महोदय झांसी के प्रयोगक्षण के आलोक में और एसएसपी झांसी महोदय के कुशल निर्देशन में जनपद झांसी के अंदर अपराध के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वो रात्रि गश्त के दौरान हो, संदिग्ध वाहनों की तलाशी हो, संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी हो के रूप में की जा रही है। इसी अभियान की श्रृंखला में एसएचओ एरएच संदिग्ध वाहन, संदिग्ध तलाश और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में अपने थाने से रवाना थे। तभी मुखबिर खास से सूचना मिली कि 5 व्यक्ति मीर साहब के मज़ार के पास कुछ योजना बना रहे हैं, डकैती की योजना ऐसी बात करें, डकैती घटना करने की फिराक में है। तो इस सूचना पर तत्काल एसओएलएच मैफोर्स के रवाना हुए और 5 को हिरासत में लेकर उन्होंने जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने नाम गया प्रसाद, छोटे नरेंद्र, अजय आदि बताया। जब इनसे और कड़ी से पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि इनके द्वारा फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।